जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो और लाडलियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांड अकेडमी पर। दोस्तों, ये वीडियो जब भी मैं एसएससी जीडी के बारे में बना रहा हूँ तो पहले स्माइल आ जा रही है, ताकि कम से कम आपको देख के थोड़ी बहुत खुशी मिले, क्योंकि बाकी पूरी की पूरी जो दुनिया है यूट्यूब की, वो ज़्यादा सदमे में है। इतने स्टूडेंट सदमे में नहीं है जितने यूट्यूबर सदमे में है। पूरे का पूरे यूट्यूब वाले पूरे सदमे में, रिजल्ट नहीं आया, ये बच्चों के साथ धोखा, ये वो। अरे मेरे अकेडमी में 100 बच्चे हैं जो पेपर क्वालिफाई होने वाले, सब मजे में सो रहे, कोई टेंशन नहीं ले रहा हूं। तू टेंशन है ही नहीं, टेंशन किस बात की, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बात खत्म। जब एसएससी ने लेटर जारी किया था कि भाई 15 अप्रैल से फिजिकल है, तो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, अब उसको टेंशन नहीं है। पूरी यूट्यूब की दुनिया पूरी परेशान हो रखी है, जितने यूट्यूबर है पूरे, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब परेशान। रिजल्ट नहीं आया एसएससी का, रिजल्ट नहीं आ रहा एसएससी का। इतनी हाइप बना रखी है, बच्चा जो घर पे मजे में सो रहा है उसको छेड़ रहे हैं। हाँ, तू सदमे में है, तू डिप्रेशन में है, तू घबरा रहा है, तेरे साथ धोखा हो रहा है, उसको पता ही नहीं धोखा हो रहा है। धोखा क्या हो रहा है उसको पता है भाई, तेरा 15 अप्रैल से तेरा फिजिकल है, तो जिसके अच्छे नंबर है वो भी दौड़ रहा है, जिसको लगता है मैं हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, सब दौड़ रहे हैं। क्या तकलीफ है भाई, आर्मी में भी तो पहले दौड़ होती थी, तो तब भी तो दौड़ करते थे। जब मैं एसएससी का फिजिकल देने गया था तब भी हम दौड़ करते थे, पहले फिजिकल होता था। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15 अप्रैल से फिजिकल शुरू है। अब एक चीज और आ गई है कि सर फिजिकल पोस्टपोन होगा इस हिसाब से। हाँ, उससे पहले मैं कल वाली बात का जवाब दे दूं। कल जिस बच्चे ने, मैंने बोला था कि हो सकता है आज आखिरी दिन हो, वो बात भी झूठी साबित हो गई। भाई मैंने उसमें ये दावा नहीं किया था, ध्यान रखना, कि भाई आज आखिरी दिन है। मैंने बोला आज हो सकता है कि आखिरी दिन हो, क्योंकि अब तो आ जाएगा। अरे अब तो 10 ही दिन बचे हैं भाई, आज 5 तारीख हो गई है, तो 15 तारीख तक तो आ ही जाएगा। अब हम ये बोलते हैं, बाकी बातें हम कैंसिल कर देते हैं, हम ये बोलते हैं 15 तारीख तक तो आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा 15 तारीख तक तो आ जाएगा, जाएगा कहाँ। लेकिन जितने भी यूट्यूब वाले वो ज्यादा परेशान हो रखे, बच्चा परेशान नहीं है इतना। 100 बच्चे मेरी अकेडमी में जिन्होंने एसएससी के पेपर फाइव मतलब क्वालिफाई होने वाले, किसी को कोई टेंशन नहीं, सब मजे में सो रहे हैं। अभी दोपहर में जाके उनको सीटियां बजा दूंगा 4, तो भी नींद नहीं उड़ेगी उनकी, क्यों, सुबह बढ़िया से फिजिकल किया है, अब शाम को और फिजिकल करना है, बात खत्म। तो आप भी वही करिए ना भाई, का इनके चक्कर में टेंशन ले रहे हैं, आगे की तैयारी करिए। सीआरपीएफ में बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है 9212 पोस्ट की, जिन बच्चों के नंबर कम है वो इसकी तैयारी करिए लाडलू, ठीक है। सीआरपीएफ की बहुत अच्छी वैकेंसी है, फार्म भी शुरू हो गए 27 मार्च से, आपने फार्म में अप्लाई नहीं किया तो कर लीजिए, इसका लीजिए लोड, इसकी करिए तैयारी हर रोज, ठीक है। और मैंने एसएससी की जो क्लासेस शुरू किए 2023 के लिए, उसके लिए भी बोल रहे, अरे सर इसका रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, आप बाद में पढ़ा लेना। अरे भाई रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट से अगली बैच की तैयारी क्यों नहीं करे। जिन बच्चों को क्लियर है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होना है इसमें, उनको एसएससी 2023 की तैयारी करनी चाहिए अभी से, क्योंकि मान लो जून जुलाई में इसकी वापस वैकेंसी है और 6-7-8 महीने है, तो अभी से तैयारी करेगा 2023 की, तभी तो जाके सिलेक्शन होगा। इसीलिए इसके लिए हमने अग्रिम बैच चलाया, अभी से तैयारी अभी से करनी पड़ेगी आपको। जिनके अच्छे नंबर नहीं उनको अभी से तैयारी कर जानी चाहिए, जिनके अच्छे नंबर है उनको इसकी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है भाई। सीटें बढ़ गई तुम्हारी वैकेंसी में 2-2 बार, फिर भी तुम डिप्रेस, अरे वाह। अरे तुमको तो छप्पर फाड़ के मिला भाई, 25,271 पोस्ट की वैकेंसी 50,000 की हो गई सीधी दुगनी, और फिर भी तुम डिप्रेशन में। अरे दादा एसएससी ने ये तो बोल दिया ना 15 तारीख से फिजिकल है, अब हाँ फिजिकल पोस्टपोन होगा सर। अरे फिजिकल पोस्टपोन नहीं होगा, फिजिकल 15 अप्रैल से शुरू है तो शुरू ही है। ध्यान रखना किसी भी बच्चे की डेट आ सकती है 15 अप्रैल के बाद में कि इस दिन फिजिकल है, इनके चक्कर में मत फंसना, ना फालतू का लोड लेना, ना फालतू डिप्रेशन होना, काय का डिप्रेशन समझे, पूरे भावले और क्यों SHT का रिजल्ट नहीं आया। अरे दादा SHT का रिजल्ट नहीं आया, अरे भाई बच्चों के साथ धोखा, बच्चों के साथ ये वो, बच्चे को ये, बच्चों का ये। अरे दादा रुको, जब एक चीज क्लियर होगी 15 तारीख, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि फिजिकल की डेट नहीं आई और रिजल्ट नहीं। अरे हर भर्ती में यही होता है, फिजिकल की डेट पहले से फिक्स होती है, क्या नहीं हुआ, फिक्स नहीं है क्या। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई, देखना था कि फिजिकल का महीना फिक्स होता है कि नहीं होता, किस महीने में फिजिकल होगा, सब जगह होता है फिक्स। आर्मी में भी फिक्स नहीं है क्या कि भाई अप्रैल में आपके पेपर है, इसके बाद मई जून में आपके फिजिकल है, फिक्स नहीं है क्या। अरे दादा बस अपने मन से ही बच्चों को फालतू भ्रमित कर रहे हैं, फालतू का लोड दे रहे, फालतू प्रेशर ये कर रहे हैं यूट्यूबवासी। इतना बच्चा परेशान नहीं है जिसने यूट्यूबवासी परेशान कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव संदेश नहीं दे रहा बच्चों को कि भाई आ जाएगा, 2 दिन नहीं 4 दिन में आ जाएगा, 15 तारीख से तो पहले आ ही जाएगा ना। आप बस फिजिकल की तैयारी करिए, बात खत्म।
कट ऑफ का अनुमान आपको बताया भी है, मैंने भी वीडियो बनाए हैं, वो सब ने भी बनाए हैं, बाकी आपके खुद को भी पता है कि आपके कितने एक नंबर है। तो भागदौड़ करिए ना, आंसर किया रखिए, आपने देख लिया नंबर मिला लिए, उस हिसाब से भागदौड़ कर लीजिए, चार दिन दौड़ते रहिए। फिजिकल पास हो गए तो वैसे ठीक, नहीं हो गए तो आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। सुबह सुबह थोड़े से दिन रनिंग करोगे तो शरीर भी तो अच्छा हो ही जाएगा ना, फालतू के परेशान, बच्चे घबरा रहे हैं, फालतू की बातें ये, ठीक है, इन पे ध्यान नहीं देना, आ जाएगा रिजल्ट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बोल कि अब करे सो कल, कर कल करे सो परसों, अभी तू आराम कर, देना बहुत वर्ष एस एस सी वालों, तुम्हारी जब मर्जी हो तब दे देना भाई रिजल्ट, हम थक गए और बच्चे भी थक गए। तो बच्चों तुम चेक ही मत करो, जब रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, हम अपना कर्म करते हैं, बात खत्म, हम रनिंग कर लेंगे, रनिंग की टाइमिंग देख लो, बात खत्म, लौट मत लो फालतू का, समझ गए। बाद में ये मत बोलना सर हम तो रिजल्ट के चक्कर में रनिंग ही नहीं किए, अरे कर ले भाई, जब तेरे को लगता है तेरा आ सकता है तो कर ले, क्योंकि रनिंग करेगा तो कुछ नुकसान तो होगा ही नहीं ना, फायदा ही होगा, तो कर लेना लाड ले, काहे लोड ले रहा है फालतू का, कर ले रनिंग कर ले, कुछ परेशानी थोड़ी ना होगी, रनिंग तू कर लेगा तो तेरा शरीर अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। और हाँ फिर भी तेरे को लगे कि नहीं मेरे पास में 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, मैं पास नहीं कर सकता, फिर मेरे पास आ जाइए तू, मैं कराऊंगा फिर रनिंग, ठीक है, डंडे मार मार के, फालतू का लोड मतलब बेटा, ये यूट्यूब वासी ज्यादा परेशान कर रहे तुमको, ठीक है। जय हिंद जय भारत, आ जाएगा रिजल्ट, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कहाँ जाएगा, छोड़ो तुम टेंशन लेना, छोड़ो इसका, इससे बाहर निकलो, ये फालतू डिप्रेशन कर देंगे, नहीं तो ये दुनिया है फालतू का, मस्त रहो, आ जाएगा, कहाँ जाएगा रिजल्ट। हाँ ये जरूर हो रहा है दिल में, तुम एक बंदा 10 बार चेक कर रहा है SSC की वेबसाइट, SSC.in, 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 अभी अभी हम भी एक बार लाइव चेक कर लेंगे, देखे रिजल्ट आया कि नहीं आया, चलो अपन भी चेक करते हैं, देखे आया कि नहीं आया, है लाइव, क्या पता हम लाइव चेक करें और रिजल्ट आ जाए, है SSC, ऐसा तो नहीं इसी समय रिजल्ट आ जाए भाई, SSC.NIC.in, इसी समय ऐसा तो नहीं कहीं रिजल्ट आ जाए, चलिए चेक करते हैं, मान लो मैं चेक करूं और इस समय रिजल्ट आ जाए तो है, कर लें क्या भाई, ओहो हो हो, चलो बालाजी को और भैरव जी को और सबको हाथ जोड़ लो, जोड़ लो, मंगल भवना मंगल हारी, ये ओहो मन की बात आ गई है तो, ओ ना अभी भी नहीं आया, तो बस मजा लीजिए, जिस सिचुएशन जैसे भी हो जिंदगी में, मस्त रहिए, खुश रहिए, मजे करिए, फालतू डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी प्रकार की कोई फालतू का लोड नहीं लेना दिमाग में, रिजल्ट अभी नहीं तो कभी ना कभी तो यहाँ आएगा ही, SSC GD रिजल्ट जारी, ठीक है, अभी नहीं शाम को आएगा, शाम को नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा पक्का, ठीक है। अरे जिसके बेटा हुआ है उसके बहू आएगी आएगी, बात खत्म, जिसको चूस दी उसको चुगा भी देगा, ठीक है, इस पे रखिए, परम सत्य पे रहते हैं, जय हिंद जय भारत, लाड लो।